जय माता दी। मेरे प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो आपके मन में विराजते ईश्वर को मेरा सादर प्रणाम। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर आपको बुराइयों से बचाए और अच्छाइयों के संपर्क में आपको रखे, आपके घर में सुख समृद्धि आए और खुशी आए। मेरे प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे लव राशिफल के बारे में। आपका लव कैसे रहने वाला है, वैवाहिक जीवन कैसे रहने वाला है, आपके कहीं वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है, ये सब इस वीडियो में बताएंगे। और ये जो लव राशि फल है, ये चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। इसमें बताया जाता है कि आपका प्रेम, आपका लव आज के दिन कैसा रहने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, हम हर रोज की तरह बात करेंगे मेष राशि से मीन राशि के विषय में, और वीडियो के लास्ट में एक छोटा सा उपाय कि आपका लव आज के दिन किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए, आपके प्रेमी कोई परेशानी ना आए, आपके वैवाहिक जीवन दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए, एक दूसरे के प्रति आपसी रिश्ता मजबूत कैसे बढ़ेगा या नहीं भी बढ़ेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, सब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और प्रिय दर्शकों, अक्षय तृतीया के ऊपर एक विशेष उपाय लेकर आने वाला हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो वीडियो आप देख पाए। बात करेंगे मेष लव राशि फल के बारे में, जिसका स्वामी मंगल बनता है। देखिए, आज आप अपने पार्टनर के साथ अपने भविष्य के सपनों को सहयोग करेंगे, मतलब उनको याद करेंगे और अपने सपनों को आगे बढ़ाएंगे। तनाव दूर करने के लिए साथी के बिताया हुआ समय भी काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके साथ जितना समय आज आप बिताएंगे, आपका तनाव उतना दूर होगा। बात करेंगे वृषभ लव राशि फल के बारे में। देखिए, परिवार में तकरार आपके हौसले को कम कर सकती है, लेकिन आप सब कुछ अच्छे से संभाल भी लेंगे। मतभेदों को अलग रखकर अपने प्यार का साथ दें, अपने दाम्पत्य जीवन को मजबूत बनाएं ताकि आने वाले समय में कोई दिक्कत ना आए। बात करेंगे मिथुन लव राशि फल के बारे में, जिसका स्वामी बुध ग्रह बनता है। देखिए, अपने परिजन से अपनी धन और आर्थिक स्थिति के बारे में भी सब कुछ शेयर करें। आप प्यार में बढ़ोतरी के लिए किसी जादू की उम्मीद न करें, आपके प्रयास से ही यह फल आपको जो है फलेगा, और फलेगा भी और अच्छा आपको रिजल्ट भी देगा। आप अपने लव को आज कुछ ना कुछ, प्रेम को आज कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर दें ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। बात करेंगे कर्क लव राशि फल के बारे में, जिसका स्वामी चंद्रमा बनता है। नए रिश्ते की शुरुआत होने जा रही है, ऐसे में अपने रूप, सूरत और व्यक्तित्व का खास ख्याल रखें। कोई रिश्ता आपको खुशी नहीं दे रहा हो, उसे समाप्त करना ही उचित रहेगा। आज के दिन आपको क्या करना है, आज आपको अपने लव को कोई ऐसी चीज़ देनी है, अपने प्यार को, ताकि आपका प्यार किसी प्रकार की कोई इसमें दिक्कत ना आए, ताकि वो खुश रहे, तो कुछ ना कुछ अच्छा गिफ्ट आप दें। बात करेंगे सिंह लव राशिफल के बारे में। जीवन में किसी खास की कमी आपको परेशान जरूर करेगी। लंबी दूरी के रिश्ते में संचार के माध्यम से मैसेज आदि की मदद लें और आप आगे बढ़ते रहें, कोई प्रॉब्लम आपके लव में नहीं आएगी। बात करेंगे कन्या लव राशि फल के बारे में। देखिए, आपकी राशि का स्वामी बुध ग्रह बनता है। आज आप भावनात्मक स्थिरता आनंद लेंगे, अपने प्रियतम से नज़दीकियाँ महसूस करेंगे। शांतिपूर्ण रोमांटिक जीवन के लिए अपने प्रेमी से विचारों को साझा करें ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। बात करेंगे तुला लव राशि फल के बारे में, जिसका स्वामी शुक्र ग्रह बनता है। देखिए, शुक्र ग्रह का आपकी कुंडली में अच्छा होना लव के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए अपने पार्टनर को खास महसूस आप कराएं। इसके लिए महंगे उपहार नहीं बल्कि आपका प्यार ही काफ़ी है। आपका प्यार अच्छा रहेगा, महंगे गिफ्ट से इतना कुछ नहीं होगा। जितना आपका प्यार उनके लिए अच्छा रहेगा, जितना आप उनसे अच्छी बातें करेंगे, तो आपका पार्टनर आपसे खुश होगा। बात करेंगे वृश्चिक लव राशि फल के बारे में। पति पत्नी और लिव इन पार्टनर आपके लिए आज प्राथमिकता है, और आज इनकी तरफ से आपको कोई सरप्राइज भी मिल सकता है। आज आपका लव काफ़ी अच्छा आपके लिए रहने वाला है। बात करेंगे धनु लव राशि फल के बारे में, जिसका स्वामी गुरु ग्रह बनता है। आज आप नए संबंधों को बनाने और पुराने संबंधों को और भी मजबूत करने के लिए एक यात्रा का प्रोग्राम बना सकते हैं, ताकि उससे आपका दाम्पत्य जीवन, आपका लव अच्छा रहे। बात करेंगे मकर लव राशि फल के बारे में, जिसका स्वामी शनि ग्रह बनता है। लाइफ की किसी भी स्थिति में आप अपने सोलमेट पर पूरा विश्वास कर सकते हैं। अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए आज का दिन बहुत शुभ है। आपको क्या करना है, आज के दिन शनि मंदिर में जरूर जाना है। बात करेंगे कुंभ लव राशि फल के बारे में, जिसका स्वामी शनि ग्रह बनता है। अपने पार्टनर से दिल की खोल कर बात करें ताकि आप उन्हें खास महसूस करा सके। स्वयं से काम लें और इसके बाद आप पाएंगे कि परिस्थितियाँ कितनी बदल चुकी है,
और आपका लव आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बात करेंगे मिल लव राशि फल के बारे में। देखिए, अपने सोलमेट से मिलने वाले सरप्राइज या खास अवसर के लिए तैयार हो जाएं। आप उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपके खास हैं, ताकि आपके लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो प्रिय दर्शकों, ये था लव राशि फल। मेष राशि से मीन राशि के विषय में बात करी और आज का एक खास उपाय आपको क्या करना है। देखिए, आपके इस लव और दाम्पत्य जीवन में शुक्र का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो उसको मजबूत करने के लिए आपको क्या करना है, आपको आज कपूर का तेल जो होता है उसको आप नहाने के पानी में डालें और उससे स्नान करें, ताकि शुक्र ग्रह का जो है प्रभाव आपके ऊपर मजबूत रहे। तो प्रिय दर्शकों, अगले वीडियो में कोई विशेष चीज़ आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।